के बेसिक्स को समझते थोड़ा सा कि व्हाट आर वर्ब्स, क्या होती है वर्ब्स। वर्ड्स देन स्टेट, जैसे बोलेंगे वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। ओके, यानी कि वैसे हम लोग समझते हैं कि जो क्रिया, कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो, जो भी कुछ भी काम हो रहा है, वो जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उस काम को, उस क्रिया को, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, हमने साथ में एक चीज और लिखी कि डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, स्टेट का मतलब है जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि आई नो समथिंग, नो वर्ब है वहां पे, बट यू आर नॉट डूइंग एनी एक्शन, दिस इज अ स्टेट जहां पे तुम्हें कुछ पता है। ठीक है, इस टाइप के वर्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वर्ब है लेकिन एक्शन में, एक्शन क्योंकि एक्शन का नाम ध्यान में आती है, मैं क्या करता हूं, लग रहा होता है समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन इवन इफ यू से आई नो समथिंग वर्ब है, बट यू वो क्या है, स्टेट है जहां पे आप उन चीजों को जानते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब हमारे कितने तरीके के होते हैं, क्या पढ़ा है इसमें, वर्ब्स ऑफ बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए अगेन दो तरीके के हैं, पहला है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारे तीन तरीके के हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, हैव फॉर्म ऑफ वर्ब्स and do form verbs। ठीक है, be form में क्या आता है हमारा, is, am, are, was, were, या फिर हम बात करते हैं passive voice की तो उसमें आते हैं been, being, ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, और be। ओके, तो ये होते हैं हमारे primary auxiliary, is, am, are, was, were, have, ये पता है has, have, had, डू करके हमारा डू डस एंड डिड। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल्स में हमारे कौन से होते हैं, व्हाट आर मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं, सुने दोस्त आइडियल्स, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल देखो मॉडल होते हैं हमारे कैन में, माइंड, गुड। ठीक है, मॉडल का मतलब होता है वर्ड दैट डिस्क्राइब मूड, मूड से बना है वर्ड मॉडल। ठीक है, जो मूड को डिस्क्राइब करें आपके मैंने बोला था मॉडल, इसलिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑट टू जो हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे, these are called model verbs। ठीक है, ठीक है, what to use to be इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो these are called model verbs, तो primary auxiliary and models। ठीक है, तो हमारे helping verbs दो तरीके के होते हैं, primary and models। main verb हमारे कैसे होते हैं, transitive and ट्रांसिटिव। वर्ब्स कौन से होते हैं, हियर एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
है, जहां पे एक्शन ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। इनको हमने पढ़ा था, जैसे हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव नाउन पढ़ा था, ठीक है। आई एंजॉय myself, I enjoyed myself at the party, ठीक है। तो जब enjoy के साथ myself लगाते हैं, क्योंकि enjoy कैसा है, transitive verb है। transitive verb का मतलब होता है कि इसके साथ में subject और object दोनों आएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये verb ऐसे होते हैं, यहाँ पे subject plus verb plus object, इस तरीके से आपका sentence बनता है, ठीक है। इसका मतलब है, जैसे I enjoyed the party, ठीक है। तो आपके आपका सब्जेक्ट है, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। इंट्रांसिटिव वर्ब्स यहां पे केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब सफिशिएंट है आपकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हम बोलेंगे ही लाफ्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। कब आएगा? जब हम इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन लगा लेंगे, तब ऑब्जेक्ट आता है। अब ही लाफ्ड हिम नहीं बोल सकते हम लोग, ही लाफ्ड के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगाने को उस पे हंसा तो हम कैसे बोलेंगे? अच्छा, वैसे इससे भी बात क्लियर है कि वो हंसा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं कि वो उस पे हंसा। सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है लेकिन प्रीपोजिशन आता है। ये क्या होता है? Transitive verbs they take direct object, ठीक है। तो यहां पे ये चीज होती है और यहां पे this is the structure of the verb and subject, ओके। समझ में ये चीज है, ठीक है। तो प्राइमरी transitive verbs subject verb then object, ठीक है, एंड intransitive verbs subject verb preposition then object। देखिए बी फॉर्म इज एम आर, वी कैन यूज देम, उसके बारे में हमने प्रोनाउंस पे एक बार पढ़ा था। हैज एंड हैड को कैसे यूज किया था बताया है? मैंने आपको बताया एक बार कि हैव की यानी कि हेल्पिंग वर्ब देखा जाए, हैव तो हैव के साथ आपका हमेशा क्या लगता है, पहली चीज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैज यानी हैव के सारी फॉर्म का वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्लस हैव को हम लोग तीन फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि हैव का एक मीनिंग देखिए तो ईट के सेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स हैव लंच, है ना। एक होता है पजेसिव केस भी यूज करते हैं तो। पजेसिव केस क्या होता है इसका? आई हैव अ पेन। तो ईट का मतलब क्या हुआ, है ना, हम बोलते हैं लेट्स हैव लंच, तो हैव का एक यूज हो गया। पजेसिव केस क्या होता है, मेरे जिसमें मैं अधिकार दिखाते हैं किसी चीज के ऊपर, ठीक है। पजेशन, आई हैव अ पेन, ऑफ कोर्स यहां पे इसका मतलब खाना नहीं है, है ना, ठीक है। और एक हम पता है हैव यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, ठीक है। मतलब एक यूज कर परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आ जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो आई हैव बीन टीचिंग यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो काम पास में शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस, पजेसिव केस और ईट इन चीज में यूज करते हैं। देखो क्या होता है, हैव के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग कभी भी वर्ड यूज करते हैं हैविंग, ठीक है, कभी भी आपको जो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पास पेन है, आप कभी भी नहीं बोलोगे आई एम हैविंग अ पेन। आप क्या बोलोगे हमेशा? आई हैव अ पेन, ठीक है। तो आई एम हैविंग समथिंग, जैसे तुम ऐसा होता है कई बार हम लोग कैरी कर रहे हैं कोई चीज, पेन कैरी कर रहे हैं, या फिर ऐसे हम सामने वाला सामने वाले को बताना चाहते हैं कि ये चीज हमारे पास अभी है, तो कई बार इसे आई एन जी फॉर्म यूज कर देते हैं। इन हैविंग जब भी लिखा जाएगा, हैविंग का मतलब मुझे क्या होगा जनरली, जैसे आई एम हैविंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, उसका मतलब मुझे ईटिंग वाले सेंस में यूज करोगे। हैविंग का एक यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी हम वर्ब में ही आगे पड़ेंगे, तो अभी समझ के रखो कि किसी सेंटेंस में अगर जनरली आप यूज कर रहे हो हैविंग, तो हैविंग पजेसिव केस में जनरली यूज नहीं किया जाता, जनरली कि आई एम हैविंग अ पेन नहीं बोला जाता। हाँ, लेकिन ऐसे बोल सकते हो अगर आप खाना खा रहे हो तो आई एम हैविंग लंच, खाना खा रहे हो तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो इससे हम लोग बेसिकली, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जब भी आप बोलना चाहते हो उसे,
कॉन्टिन्यूस टेंस में कि मैं ये काम कर रहा हूं, उस टेंस में केवल कभी यूज होगा ईट के टाइम पे। तो हैविंग का मतलब जब भी ऐसे बोला जाएगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो इट मींस ईटिंग, ठीक है। बाकी जो इसका हैविंग का यूज होता है वो हम पढ़ेंगे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी वर्ब्स के एडवांस वर्ब बोलते से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। डू का कुछ यूज पढ़ते हैं। देखो डू को वैसे हम लोग यूज करने जाते हैं आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है। डू के यूज इज टू डज डिड, ये हम जानते हैं, ठीक है। और डू इज यूज विद प्लूरल वर्ब, डज और सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, डिड इसका पास्ट होता है, ये चीज हम जानते हैं। डिड के डू के कुछ और यूज देखते हैं, जैसे इस पे लिख सकते हो पहले तो से इट इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ वर्ब। It is used to avoid the repetition of a verb. क्या मतलब है इसका कि verb की repetition को avoid करता है? कैसे? जैसे कि मैं बोलता हूँ, ऐसे का कोई sentence, he plays cricket and his brother plays cricket. He plays cricket and his brother plays cricket. ठीक है? वो क्रिकेट खेलता है उसका भाई क्रिकेट खेलता है, हमें वर्ब रिपीट कर रहे हैं। ही प्लेस क्रिकेट एंड हिज ब्रदर प्लेस क्रिकेट, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ही प्लेस क्रिकेट सो डज हिज ब्रदर। ठीक है, तो जब हम इससे यूज करते हैं सो डज हिज ब्रदर, वो क्रिकेट खेलता है और उसका भाई भी खेलता है, उसका भाई भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो हम पूरी बात हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करोगे, जैसे मैं बोलूं यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, तुम्हें बोला ना कि साथ में और मुझे भी पसंद है, यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट मैच, सो डू आई। जो आप इस तरीके से बोलते हो सो डू आई, तो यहां पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उसी वर्ब को रिपीट कर दे रहा है, यानी इसका मतलब होगा कि तुम्हें क्रिकेट मैच देखना पसंद है, मुझे पसंद है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी सो डू आई, यानी कि आप इस बात को रिपीट करने की जगह इस तरीके से बोलते रहो और आपका बात भी क्लियर हो जाएगी कि आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द यूजेस कि यहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं वर्ब की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। Emphasize on a statement or to make a request more emphasizing, यानी किसी स्टेटमेंट में एम्फेसाइज करने के लिए, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो किसी से या कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है। टू मेक अ ऑफर और रिक्वेस्ट, ऑफर भी लिख सकते हो आप, टू मेक एन ऑफर और अ रिक्वेस्ट मोर एम्फेसाइजिंग, किसी बात पे जोर देना बहुत ज्यादा। एक होता है जैसे हम लोग बोलते हैं किसी से, नॉर्मली बोले ना कि वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ऐसा होता है या कॉफी पीना चाहोगे या फिर कॉफी पी के जाना, कुछ भी इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो जब आप ऐसे एक तो नॉर्मल बोलते हो Have a cup of coffee before you leave. आपने ऑफर किया Have a cup of coffee before you leave. जब इसमें आप ज्यादा जोर देके बोलते हो इसे नहीं नहीं तो ये जाना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो वहां पे क्या करते हो Do have a cup of coffee before you leave. तो जब हम इस तरीके से डू लगाते हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं, आपकी बात पे जोर दे रहा होता है कि नहीं यू हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है जाओ, ठीक है। जैसे और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को भी कह रहे हैं आई केयर अबाउट माय स्टडी, ठीक है, आई केयर अबाउट माय स्टडी, या फिर कोई भी चीज आगे आप कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो जितने
किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, बताना चाह रहे आई केयर अबाउट माई डिस्ट्रिक्ट, तो इसी पर और ज्यादा जोर देके कैसे बोला जाएगा, आई डू केयर अबाउट माई स्टडी, स्टडीज बोल सकते हैं, पढ़ाई की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे होता है घर पे अगर या कई बार कोई बोलता है कि नहीं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तुम जोर देके बोलते हैं, वैसे तो बात करते समय जोर से बोल देते हैं कि नहीं नहीं फर्क पड़ता है मुझे, है ना, कैसे कैसे नहीं पड़ता, तो वो बात जोर से ना बोलनी हो तो आई डू केयर अबाउट माई स्टडी, मतलब मान लो लिख रहे हो अगर, तो लिख कैसे कैसे बताया जाएगा, ऐसे बताया जाएगा अपनी बात पर कि आई डू केयर अबाउट माई स्टडीज। तो हमने कई बार नोटिस किया होगा कि डू सेंटेंस में कहीं पे कई बार यूज कर लिया जाता है इस तरीके से वर्ब से पहले, यानी कि आपका जो मेन वर्ब है उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब में डू लगा देते हो, और जिसके बिना सेंटेंस सही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्या कर रहे हैं आपकी बात पे जोर दे रहा है, जैसे इसके बिना भी सेंटेंस ठीक था, हैव अ कप ऑफ कॉफी, लेकिन आप कहते हो अपनी बात पर जोर दे रहे हो, तो आप डू का यूज करें। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो थे उसमें डू की फॉर्म और हैव फॉर्म में समझा, लेकिन नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स कैन केम कैन मे माइट, उनको हम आगे देखेंगे, बहुत इजी होते हैं उनके यूज में, इस ख्याल से आप लोग जानते होंगे, ये पता है मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे थोड़े रूल लिख लेते हैं कुछ, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म लगते हैं उनके साथ हमेशा, अगर एक सेंटेंस में हम लोग दो मॉडल वर्ब्स यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो मॉडल वर्ब भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे He has never done and will never do any unhonest work. क्या मतलब हुआ? He has never done. Has used किया हमने? तो we have used verb third form. Will use किया? हमने क्या लिखा है? Verb की first form. ठीक है? तो if a sentence primary two forms of primary auxiliary, then we will use the main verb according to both of them separately. अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, देखो यहाँ पे क्या है, उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो he has never done and will never do, तो ये दोनों तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि he has never, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, जनरली क्या करते हैं, बस इतना लिख देते हैं, he has never and will never do, he has never done जैसे लिखेंगे, he is never, he has and will never, ऐसा he has and will never do anything, something कुछ इस तरीके की एरर करेंगे, बीच में से एक चीज मिस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भाई एक ही बार मेन वर्ब यूज कर दिया और बात समझ में आ गई, लेकिन बात सुनने में समझ में आ जाती है, लेकिन सही तरीका क्या होगा, जब आपने यहाँ पे has form यूज किया, आपको पता है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा रही है, तो इसके लिए अलग से मेन वर्ब लगाएंगे, ठीक है, he has never done
आपके आप इसके लिए अलग से मेन वर्ब यूज करोगे। तो उसमें ये लिखना है कि अगर एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो और दोनों के साथ अलग अलग फॉर्म यूज की जानी है तो दोनों की अलग अलग फॉर्म लिखी जाएगी। ओके, तो यस नेवर डन विल नेवर डू व्हाटएवर जो भी मिले एंड ऑन एंड डू एंड एन अनोनिमस वर्ब। उसने ना कभी किया है ना ही कभी करेगा क्या चीज कोई भी अनोनिमस काम। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे एक कैसा है। जैसे ऐसा कुछ भी जॉन हैज एंड विल वर्क हार्ड ठीक है साथ में दो एयर्स देख इसे खाओ क्या होगा उसमें जॉन हैज एंड विल वर्क हार्ड अब देखो यहाँ पे समझना है दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब उसने मेहनत करी है मेहनत करी है ज्यादा और हमेशा करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपने वगैरह ठीक है बोलो क्या करना चाहिए उससे लगे पिछले रूल से लगे नेक्स्ट बोले हाँ देख के आप समझ लीजिए कुछ करो कि क्या है पास के बाद चलिए एक वन वाज किल्ड ठीक है एक तो मर गया एंड टू इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट बोलते समय हम इसी तरीके से बोल देते हैं सुनने में सही लगता है लेकिन एक्चुअली क्या है वन के साथ में क्या लगाया वाज वन वाज किल्ड एंड टू इंजर्ड टू इंजर्ड टू वर्ब इंजर्ड तो हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग प्लूरल यूज करेंगे साथ में ठीक है इसमें ऐसा हो जाएगा ऑफ अ सेंटेंस as two different number of subjects then we have to use helping verbs According to their number का मतलब है कि अगर singular है तो singular आएगा अगर plural है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था two was क्या कहते हैं two were killed and two were injured या three were killed two were injured तो दोनों जगह verb पर आ जाता यानी कि हम plural use कर लेते ठीक है एक कैटेगरी और थी वर्ब्स में जिन्हें बोलते हैं लोग फाइनाइट वर्ब्स एंड
ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स उनको कहा जाता है दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होता है तो वो भी चेंज होते हैं, जैसे ही वॉन्ट्स दे वॉन्ट, है ना, सिंगलर है तो सिंगलर लिखा, मतलब प्लूरल है तो प्लूरल लिखा। ठीक है, नॉन इंपॉर्टेंट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मतलब ये सबसे इजी तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या होता है, ऑल्दो हमें इसमें आगे नहीं, हमें मेन उन वर्ड्स को ही पढ़ना, उन वर्ब्स को ही पढ़ना है कि नॉन पॉइंट वर्ब्स कौन से होते हैं, और मतलब जो हम इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जेरंड सुनने वाले वर्ड्स, यही हमारे क्या होते हैं, नॉन पॉइंट वर्ब्स होते हैं। ठीक है, डू नॉट चेंज, और ऐसा लिख सकते डे, ये ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा, ऐसे बोले तो दे रिमेन अनचेंज्ड विद द चेंज इन सब्जेक्ट। ठीक है, कि सब्जेक्ट में अगर चेंज होता है तो उससे इन पे फर्क नहीं पड़ता, वो उस चीज में अनचेंज रहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप यहाँ पे आई हैव टू गो, दे हैव टू गो, ही हैज टू गो, शी हैज टू गो, कुछ भी लिख लोगे, ये फॉर्म चेंज नहीं होगी वर्ब की। ये चीज होगा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, लेकिन आपके ये जो मेन वर्ब हम की बात कर रहे हैं इसकी ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे किसमें आते हैं, ये नॉन पॉइंट वर्ब, सी वाले तीन होते हैं, इसमें आते हैं हमारे इन्फिनिटिव पार्टिसिपल एंड जेरंड्स। तो अब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे, इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जो जेरंड्स ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करें, ये एक्चुअली इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो अभी इनको समझेंगे हम क्या होते हैं, पॉइंट वर्ब्स तो चेंज नहीं करते, तो ये तो हमें नॉर्मल यूजेस हम लोग जानते हैं। अब हम इन्हें बढ़ना स्टार्ट करें, तो वी स्टार्ट विद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी कि हम इसे दो तरीके से यूज करते हैं, वी वन एंड टू प्लस वी वन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव एंड दिस इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, लेकिन जनरली हम इसे इन्फिनिटिव बोलना ही पसंद करते हैं, और जैसे आपको पता है कि हम लोग जैसे जहां भी हम लोग बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम लोग मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं, कैन के साथ, मे, माइट, इन सब के साथ आगे क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है, इन्फिनिटिव ही कहलाती है, वो इन्फिनिटिव ही है। ठीक है, आई विल गो, दे विल गो, कुछ भी यूज करो तो वो वहीं रह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे, आई वॉन्ट टू गो, दिस इज टू प्लस वी वन। ठीक है, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे लेट देम गो। ठीक है, मैं आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये किसे दोनों तरीके से यूज किया जाता है, टू प्लस वी वन के फॉर्म में भी और केवल वी वन में भी। अब देखते हैं इसके अलग अलग यूजेस क्या होते हैं। पहला है एज अ सब्जेक्ट,
एज अ सब्जेक्ट का मतलब है कि हम इसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूं टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से भी इसे बोला जा सकता है कि टू प्लस यूनिट को आप स्टार्टिंग में लगाओ, और ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे नाउन का यानी कि एक सब्जेक्ट का काम करता है बेसिकली, ठीक है। जैसे हम लोग ज्यादा परिचित किससे हैं, वी नो वी कैन यूज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये एक्चुअल में जेरंड है। देखो वैसे समझते हैं कि हम क्या वर्ब की किस जगह में पढ़ते हैं, स्विमिंग लिखा है आईएनजी, जनरली आईएनजी से हम क्या समझते हैं, कोई काम हो रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो कोई स्विमिंग कर रहा होता है उस टाइम पे, नहीं, हम केवल उसे यूज कर रहे थे एक चीज की एक थिंग वाली कैटेगरी में, मान लें नाउन की तरह कि ये चीज अच्छी है हेल्थ के लिए या एक एक्सरसाइज है बहुत अच्छी। तो जब आप बोलते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पे क्या नाउन का काम कर रहा होता है, और ऐसा वर्ब जिसमें आईएनजी लगे नाउन का काम कर रहा है उसे बोलते हैं जेरंड, इसे हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस जगह पे हमने स्विमिंग तो हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, इसे कम बोलते हैं लेकिन हाँ यूज ये भी किया जाता है। तो जो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा नाम के अंदर सब्जेक्ट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें मिले गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे टू प्लस जी में यूज किया, दिस इज यूज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फिनिटिव का पहला यूज, ये हम इसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम बोले नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कुछ और वर्ड लगा के देख लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हो ना सब लोग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो इस फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे सबसे आसान में समझना कि मैं प्रोनाउन लगा के देख लो, यहाँ पे ही सब्जेक्ट होता है हमारा, ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम हिज ऐसे बोलते हैं। तो ही सब्जेक्टिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट होगा तो ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो नो वन वांट्स हिम, सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। एक ऑब्जेक्ट हटा के अगर उसकी जगह कुछ भी लगा रहे हो और सेंटेंस तब भी सही हो रहा है, इसका मतलब वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। ऐसे बोले नो वन वांट्स हिम, ठीक है। नो वन वांट्स हिम कैसे, जैसे अगर कोई टीम सेलेक्ट कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता था छोटे वगैरह क्रिकेट खेलते थे हम लोग, अभी भी खेलते हैं, एक बंदा बाद में रहता है, कोई नहीं आना हमेशा रहता है गाइस, नहीं वो या तो सबकी तरफ से खेलते हैं, सबकी तरफ से फील्डिंग करता है, लेकिन मुझे पता होता है किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो नो वन वांट्स हिम टीम ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे यहाँ पे करेक्ट है, और आपको पता है जब सेंटेंस ऊपर वाले करेक्ट है वहाँ से हिम हटाओगे, हम ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट की जगह वर्ड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ से ये समझा जा सकता है कि हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैसे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डू टू प्लस वन यहाँ पे है, वी वन यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। He's out to go. इसको ऐसे ही बोला सकता है, He's to go. ठीक, यहाँ पे क्या हो गया आपके helping verb, और ये आपका क्या कर रहा है, verb को complete कर रहा है, He's to go. He's to go. ऐसे ही बोला सकता है और ऐसे भी। तो आप he's out to go जो बोलते हो वहां से भी समझ में आता है, क्योंकि जनरल में इसे यूज करते हैं, और इसी बात को वैसे ही बोल सकते हैं, He's to go. मतलब वही होगा he is about to go. और जैसे नेक्स्ट लिख सकते हैं Uh,
as a cause, to show a cause or reason in the sentence. Reason बोल सकते हैं, purpose बोल सकते हैं, और cause और purpose in the sentence. ठीक है, जैसे he sold his watch to buy some books. He sold his watch to buy some books. Yeah, when is it better? He started crying to see his phone dead. Okay, so he sold his watch to buy some books. ठीक है, क्या ये बहुत चीज थी ये काम करने के लिए, तो क्या थी, कॉज है या पर्पज है? कॉज, किस कारण से हुआ? यानी यहाँ पे देखो, he started crying to see, इस वजह से रोने लगा और इस काम के लिए उसने ऐसे किया, ये तो पर्पज पता चल रहा है ना. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज शोइंग द पर्पज और यहाँ पे शो कर रहा है कॉज. तो वी कैन फॉर्म, मतलब ये दिखा रहे हैं बस कि हाँ, 2+1 को इतनी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और जहां भी 2+1 आ रहा है वो सब जगह पे क्या है, इन्फिनिटिव है. ठीक, दिस इज इन्फिनिटिव. सम वर्ब्स टेक इन्फिनिटिव विद एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस 2+1 इस तरीके से साथ लगेगा. ठीक है, तो दीज आर द वर्ब्स, और इसमें वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, बेसिकली यूज देखना है. तो ऐसा कुछ नहीं कि हम कहाँ पे यूज करेंगे इसी पोजीशन से, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब वी शुड नो कि कहाँ पे इस चीज को लगाना चाहिए. तो क्वेश्चन कई बार इस पे भी आ जाता है, तो ये एडवाइस भी, टू डू इट एट वंस, यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट देन 2+1. क्लियर है ये? ही फोर्स्ड हिम, तो ये आपका वर्ब हो गया यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आया आपका 2+1. ही फोर्स्ड हिम टू. अच्छा, पहले सेंटेंस हमारा एडवाइस मी टू डू इट एट वंस, क्या मतलब इसका? एडवाइस करने की सलाह देने की सलाह देने, एक बार में करने के लिए, एक बार नहीं, तुरंत कर दी. देखो, वंस लिखा जाए इसका मतलब एक बार करो या कोई भी चीज ऐसा है. व्हेन वी से एट वंस, he did it at once, मैंने ऐसा बोला, and he completed my work at once, या कुछ उसने एक बार में कर दिया, तो इसका मतलब होता है immediately, तब use करते हैं इसे. ठीक है, जो लगा